इसको डेरिंग समझते हैं। क्या समझते हैं इसको? डेरिंग। ये हक बात को बयान करना चाहिए चाहे कहीं पर भी हो। भाई ये डेरिंग नहीं है, ये अखलाक के खिलाफ बात जा रही है। उसी को आप अच्छे अंदाज से ही पूछ सकते हैं, अच्छे तौर तरीके से पूछ सकते हैं। उसको आदमी को पर्सनल में लेकर, उस आलिम साहब को की इज्जत करते पर्सनल में लेकर बात कर सकते हैं। आप अकेले में लेके बात कर सकते नहीं। लोग क्या करते हैं, चार लोगों में पूछ लेते और समझते मैं उनसे ज्यादा होशियार हूं। ये अखलाक नहीं है। साहब रसूल जानते हैं, जवाब जानते हैं इस हदीस से, जो हदीस में आप कहकर रख रहा हूं, जवाब जानते हैं, फिर भी क्या कहते हैं, अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बहुत बेहतर जानते हैं। एक वजह यह भी है ऐसा बोलने की कि जितना जानते हैं हो सकता है वो शायद कम है। अल्लाह उसका रसूल अगर खुद से बता दे तो वो नई बातें मालूम होंगी जो हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए कहते हैं अल्लाह उसका रसूल बहुत बेहतर जानते हैं। ये हमारे में सिफात नहीं है। उस्ताद के साथ जब बात करते रहे, उस्ताद ने पूछा यह है क्या, कोशिश तो करना चाहिए। नहीं, आप ही बता दीजिए, बहुत बेहतर होगा। हम फौरन जवाब दे देते और अपनी होशियारी का सबूत देते। जहां जरूरी है वहां करें आप, मगर जहां इल्म ज्यादा मिलने का अंदेशा हो, ज्यादा मिलने का क्या कहते हैं उम्मीद हो, वहां पर आप कहेंगे आप बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये अखलाक का तरीका है, क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस है कि अगर आपको उस बात के उस पॉइंट के तरह, उस नुक्ते के तरह दो बातें मालूम है तो सामने वाला तीन बातें बयान कर दे तो एक बात का इजाफा हो जाएगा। अगर आप जवाब दे दें तो सामने वाला खामोश हो जाए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, तो तीसरी बात से महरूमी है। तो सहाबा कराम क्या कहते थे, अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बहुत बेहतर जानते हैं।